हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय चैनल स्किल लर्निंग। आपका मेरे चैनल स्किल लर्निंग में बहुत बहुत स्वागत है। आज से मैं नया कोर्स शुरू करने जा रही हूँ जो कि क्लास सेवेंथ के लिए है। क्लास सेवेंथ के लिए मैं कंपोजिट मैथ जो कि सीबीएसई से वेरीफाइड है उसके क्वेश्चंस की शुरुआत करने जा रही हूँ। आज मैं फर्स्ट चैप्टर से आपका इंट्रोडक्शन दे दूँगी, आपका इंट्रोडक्शन फर्स्ट चैप्टर से करा दूंगी। फिर धीरे धीरे हम इसी सीरीज़ में आगे बढ़ेंगे और क्लास सेवेंथ की मैथ की बुक जो कि कंपोजिट मैथ है कंप्लीट करेंगे। आप प्लीज़ इस कोर्स के शुरुआत से इस कोर्स के अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा ताकि आप अच्छी तरीके से जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें एनालाइज कर सकें। मैं आपको जो प्रॉब्लम्स हैं मैथ से रिलेटेड उन्हें रियल लाइफ से रिलेटेड करके एनालाइज करना सिखाऊंगी ताकि जो मैथ है उसको आप रियल लाइफ जो लाइफ है उससे रिलेटेड करके कर पाए। तो मैं आशा करती हूँ आप इस कोर्स के शुरू से लेकर अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे और मेरी जो वीडियोस हैं उन्हें कंटिन्यूसली देखेंगे, ठीक है। तो चलिए आज मैं आपको इंटीजर चैप्टर से इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। देखिए ये क्लास जो सेवेंथ है उसके जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है इंटीजर। आपने क्लास सिक्स में कई चैप्टर आए होंगे इंटीजर के ऊपर जिसमें आपने प्लस माइनस के संग खेला होगा, प्लस माइनस को सॉल्व किया होगा, प्लस करना माइनस करना जो ये चीज़ें शुरुआत में बहुत डिफिकल्ट होती हैं। जो शुरुआती दिन होते हैं जब इन चीज़ों को शुरू करने के तो ये चीज़ें बहुत डिफिकल्ट पड़ती हैं, लेकिन जैसे ही ये प्रैक्टिस में आ जाती हैं ये बहुत आसान चीज़ें हैं। जैसे ही प्रैक्टिस में आ जाती हैं आप इसे आसानी से कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले तो मैं आपको ये इंट्रोड्यूस कराऊंगी इंटीजर आखिरकार होता क्या है। इंटीजर देखिए आप यहाँ पर कुछ आई और जेड बना हुआ है, ठीक है, आई और जेड। यहाँ देखिए जो आई है वो भी इंटीजर के लिए शो किया जा रहा है और जेड भी है इंटीजर के लिए डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो आप इतना ध्यान रखिए आई फॉर इंटीजर और हम इंटीजर को शॉर्ट में आई से ही डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखिए इंटीजर हमारे इन्फिनेटिव होते हैं। देखिए ये रहा हमारा जीरो, ठीक है, ये क्या है हमारा जीरो। अब देखिए जीरो से हम आगे बढ़ते हैं और जीरो से हम पीछे हटते हैं, तो देखिए क्या आता है। हमने जीरो से शुरू किया और आगे 1 2 3 4 5 हम इन्फिनेटिव तक गए तब भी हमारे इंटीजर ख़त्म नहीं हुए। ऐसे ही अब हमें पीछे जाना है, जीरो के पीछे क्या आएगा -1। बस आपको ये जो गिनतियाँ हैं इन्हें ही लिख देना है, यानी कि 1 2 3 4 5 बस आपको माइनस और पुट करना है, ठीक है। तो देखिए अभी तक आपका ये इंटीजर इतना क्लियर नहीं हुआ होगा, जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ते जाएंगे आपका ये टॉपिक क्लियर होता जाएगा, ठीक है। तो मैं आपसे पहले ही कह रही हूँ आप प्लीज़ थोड़ा धैर्य बना के रखिए, क्योंकि अगर आप धैर्य बना के रखेंगे तो धीरे धीरे आपके पॉइंट्स क्लियर होते जाएंगे और वीडियो की लास्ट में आपको इंटीजर पता चल जाएगा, ठीक है। तो देखिए पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, पॉजिटिव से ही पता चल रहा है, पॉजिटिव यानी कि प्लस साइन होगा इसमें, ठीक है, या फिर कोई साइन नहीं होगा। देखिए हम नॉर्मली कोई भी अगर प्लस साइन लगा हुआ है कहीं तो हम इसे ऐसे लिखते नहीं है +2, हम नॉर्मली इसे 2 लिख सकते हैं, ये है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कोई इंटीजर दिखाना हो तो अगर वो पॉजिटिव इंटीजर है तो ज़रूरी नहीं आप प्लस लगा के 2 ही लिखेंगे, ये कोई ज़रूरी नहीं है, आप सिर्फ इसे 2 लिख के छोड़ सकते हैं। तो देखिए पॉजिटिव से ही पता चल रहा है जैसे कि मैंने आपको बताया पॉजिटिव इंटीजर, और नेगेटिव से ही पता चल रहा है नेगेटिव। तो देखिए पॉजिटिव इंटीजर में हमने कहाँ से कहाँ तक के नंबर लिखे हुए हैं, 0 से 1 तक के नंबर सारे पॉजिटिव इंटीजर में लिखे हुए हैं, 0 से 1 से लेकर आगे तक के नंबर, 0 से नहीं शुरू होगा, सॉरी फॉर दिस, 1 से लेकर आगे तक के नंबर हमारे पॉजिटिव इंटीजर में लिखे हुए हैं, ठीक है। और नेगेटिव इंटीजर में क्या लिखे हुए हैं, -1 से लेकर आगे तक के नंबर नेगेटिव इंटीजर में लिखे हुए हैं, या मैंने इन्फिनिटिव को लिए नहीं दिखाया हुआ है, वरना हमारे जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही इंटीजर होते हैं वो इन्फिनिटिव तक ही होते हैं।
तो ठीक है, जीरो के बाद के सारे इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर और जीरो से पहले के सारे इंटीजर नेगेटिव इंटीजर। इन शॉर्ट जिसके आगे माइनस साइन लगना है वो हो गया नेगेटिव इंटीजर और जिसके आगे कोई साइन नहीं लगना है या प्लस साइन लगना है वो हो गया हमारा पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, और आपको ध्यान रखना है यहाँ से यहाँ तक तो आपका क्या हो गया नेगेटिव इंटीजर और यहाँ से यहाँ तक का हो गया आपका पॉजिटिव इंटीजर। अब बीच में क्या रह गया, जीरो। तो देखिए जीरो ना ही तो यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर दिखाई दे रहा है ना ही नेगेटिव इंटीजर दिखाई दे रहा है, तो जीरो कोई इंटीजर नहीं होता, जीरो एक होल नंबर है। ठीक है, तो ये रहे हमारे पॉजिटिव इंटीजर, ये रहे हमारे नेगेटिव इंटीजर, जीरो इज द होल नंबर, जीरो इज नॉट अ इंटीजर। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, इंटीजर को हम आई से शो करते हैं और जो मैथ में जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं वो होते हैं हमारे पॉजिटिव इंटीजर, और नेगेटिव इंटीजर में अगर हम काउंटिंग नंबर्स में से माइनस हम काउंटिंग नंबर में माइनस पुट कर दें तो वो होते हैं हमारे नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, तो दोनों ही इन्फिनिटिव तक होते हैं और जीरो हमारा कोई इंटीजर नहीं होता। अब देखिए प्रोड्यूसर और सक्सेसर, अब देखिए इसके नाम से पता चल रहा है प्रोड्यूसर माने पीछे जाना, सक्सेस माने आगे जाना, मतलब सक्सेस होना, सक्सेस होते हैं मतलब हम आगे जा रहे हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं तो आपको सक्सेसर का मीन्स अब अच्छे से पता चल गया। अगर सक्सेस अगर हम होते हैं तो इसका मतलब है हम आगे बढ़ रहे हैं लाइफ में, हम ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ने का मतलब है हम प्लस हो रहे हैं, हमारे में इंक्रीजिंग हो रहा है, तो सक्सेसर हो गया आगे बढ़ना। अब इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा प्रोड्यूसर। ठीक है, तो इसका मीन्स हो गया पीछे हटना। तो देखिए अगर आपको सक्सेसर पूछा जाएगा तो आपको पता है अब सक्सेस माने आगे बढ़ना, मतलब अब हम आगे बढ़ेंगे। प्रोड्यूसर पूछा जाएगा तो सक्सेसर का जस्ट अपोजिट क्या होना चाहिए, पीछे हटना, तो प्रोड्यूसर माने पीछे हटना। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा आपको। देखिए मैं आपको पूरा जो चैप्टर फर्स्ट है उससे इंट्रोड्यूस करा रही हूँ, ताकि जब मैं आपको चैप्टर फर्स्ट के क्वेश्चंस कराऊँ उसका सॉल्यूशन कराऊँ क्वेश्चंस का, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आए, आप उन चीज़ों को क्लियरली समझ सकें। इस वीडियो को बनाने का मेरा सिर्फ यही मोटिव है, आपको फुल्ली उस चीज़ से रिलेटेड जानकारी देना जो कि आप पूरे चैप्टर फर्स्ट में पढ़ने वाले हैं, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो आगे आने वाले टाइम पे। ठीक है, तो अगर आपके पॉइंट्स क्लियर हैं तो इसका मतलब आपकी जो सेवेंथ क्लास की मैथ है उसकी शुरुआत बहुत अच्छे से हुई है, और बहुत ही ज़्यादा चैप्टर है जिसमें ये इंटीजर का यूज़ होना है। ठीक है, जो देखिए क्या होता है, जो सेवेंथ क्लास का सिलेबस होता है वो सिक्स क्लास में आपने क्या सीखा उसको थोड़ा बढ़ाकर उसके बेस पे होता है। ठीक है, तो ये सिक्स क्लास की रिपीटेशन होती है फर्स्ट चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में, तो अगर आपने सिक्स क्लास अच्छे से पढ़ी है तो फिर आपको शुरुआत में कोई दिक्कत नहीं होगी सेवेंथ में। बट अगर आपने उतने अच्छे से नहीं पढ़ी है तो जो शुरू में चैप्टर दे रखे होते हैं सेवेंथ के क्लास के, तो आपको उन्हें अच्छे से क्लियर करना होगा, आपको इंटीजर बहुत अच्छे से आ जाने चाहिए ताकि आपको सेवेंथ में कोई दिक्कत ना हो और आगे आपको एट्थ में भी कोई दिक्कत ना हो। देखो इंटीजर तो चलने हैं आगे, जब तक आप मैथ पढ़ेंगे तब तक आपका इंटीजर चल रहा है, तब तक आपके छोटी मोटी चीज़ें चलनी ही चलनी हैं। ठीक है, अब देखिए सक्सेसर में क्या होता है, सक्सेसर मतलब सक्सेस करना, आगे जाना, तो आपको बस इसमें भी आगे जाना है। मैथ में भी वही चीज़ अप्लाई होती है जो आपकी डेली लाइफ में है। तो देखिए सक्सेसर अगर आपको टू का निकालना है तो आपको प्लस वन करना है यानी कि थ्री, तो टू का सक्सेसर क्या हो गया थ्री। ऐसे ही अगर आपको थ्री का निकालना है तो आपको इसमें भी प्लस वन करना है यानी कि थ्री का सक्सेसर हो गया फोर। फोर का निकालना है तो प्लस वन करना है यानी कि आगे बढ़ना है, तो हो गया फाइव। ठीक है, तो थ्री फोर फाइव हमारे सक्सेसर है। ठीक है, टू का थ्री, थ्री का फोर, फोर का फाइव, तो सक्सेसर माने आगे बढ़ना, तो हम इसमें प्लस वन करेंगे, और प्रोड्यूसर माने पीछे हटना है तो हम इसमें माइनस वन कर देंगे। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए इंटीजर्स में क्या होता है सक्सेसर प्रोड्यूसर में, अगर आपका आ गया ये माइनस टू और पूछा जाएगा इसका सक्सेसर निकालना, इसका सक्सेसर कैसे निकालेंगे। ठीक है, अगर माइनस की टू आ गया तो हम इसका सक्सेसर कैसे निकालेंगे, आपको पता है प्लस करते हैं सक्सेसर में। ठीक है, बट अब आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसे सॉल्व करने के लिए आप देखिए जो इसकी टेबल है। ठीक है, देखिए मैथ के कुछ रूल्स होते हैं,
अब हमें इन रूल्स के अकॉर्डिंग चलना है। देखिए, अगर आपको कहीं एक साथ माइनस और प्लस लिखा हुआ दिख जाता है, यानी कि माइनस प्लस लिखा हुआ दिख जाता है, तो आपको करना है माइनस। देखिए, मैथ में प्लस को उतनी अहमियत नहीं दी जाती है जितनी माइनस को दी जाती है, ठीक है। तो अगर आपको कहीं माइनस और प्लस दिख रहा है तो आप क्या लिखेंगे, माइनस, ठीक है। आपको क्या लिखना है, माइनस। जैसे कि देख लीजिए, अगर आपको माइनस के टू सक्सेसर में ही बता दे रही हूँ, प्लस के वन दे रखा है, ठीक है, मतलब एक डिजिट है आपकी माइनस की और एक डिजिट है आपकी प्लस की, तो आपको क्या करना होगा, माइनस प्लस आपने यहाँ देख लिया है, माइनस प्लस क्या होते हैं, माइनस होते हैं। अब आपको करना है माइनस, ठीक है। आपने ये देख लिया, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, और माइनस प्लस हमारे माइनस होते हैं, हमने कर दिया माइनस। और अगर टू में से वन माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा, वन, ठीक है। अब साइन किसका आएगा, अब आप ये देखिए, जिस डिजिट्स के पास ज़्यादा वैल्यू होती है उसी का साइन आता है, जिस डिजिट के पास ज़्यादा वैल्यू होगी उसका ही साइन आएगा। यहाँ देखिए, टू के पास ज़्यादा वैल्यू है कि वन के पास, सबको पता है कि टू ज़्यादा बड़ा होता है, तो हमारा किसका साइन आना चाहिए, माइनस का। यही बात मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बता रही थी। अगर हम माइनस के थ्री और प्लस के वन करते हैं, आपको पता है माइनस प्लस क्या होते हैं, माइनस, यानी कि माइनस हो गया ये, प्लस हो गया ये, आपको क्या करना होगा, माइनस कर दीजिए। माइनस क्या होगा, माइनस करके क्या आएगा, थ्री में से वन माइनस करते हैं तो क्या आता है, टू, क्या आएगा, टू, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होते हैं, माइनस रहा ये प्लस रहा, दोनों को माइनस किया, आ गया टू। अब साइन किसका आएगा आपका, माइनस का या प्लस का, हमने माइनस तो कर लिया भाई, अब साइन किसका आना चाहिए। अब देखिए, किसके पास ज़्यादा वैल्यू, माइनस के पास कि प्लस के पास, माइनस के पास, तो साइन आ गया हमारा माइनस का, ठीक है। ये क्वेश्चन जैसे ही आप करते जाएंगे आपकी हैबिट में पड़ जाएगा, शुरू शुरू में बहुत दिक्कत होने वाली है, और अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो आपको उतनी दिक्कत नहीं होगी जितनी दिक्कत आपको नॉर्मली होगी। तो चलिए अब सेकंड वाले का एग्जांपल देखते हैं। फिर से वही बात आ गई, प्लस माइनस, ये क्या थी, माइनस प्लस, प्लस माइनस कुछ दोनों ही सेम है, कुछ गलत आगे पीछे भी नहीं है। प्लस माइनस हो गया, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। जब माइनस प्लस माइनस होता है तो प्लस माइनस भी भाई माइनस ही होना चाहिए, बात तो वही पड़ रही है, प्लस तो इसमें भी है एक, माइनस तो इसमें भी है एक, तो माइनस ही होना चाहिए, तो हमारा क्या आ गया, माइनस। अब देखिए करते हैं, फोर माइनस वन, प्लस माइनस माइनस होते हैं तो बचपन में ही पढ़ा होगा, और माइनस के फोर प्लस के वन, प्लस प्लस और माइनस क्या होंगे, माइनस ही होंगे, ठीक है, प्लस माइनस क्या होंगे, माइनस ही होंगे। चलिए माइनस कीजिए, थ्री आ रहा है आपका। अब आपको क्या लगाना है, साइन, यहाँ पे भी आपको साइन लगाना है और यहाँ पर भी आपको साइन लगाना है, ठीक है। देखिए, प्लस माइनस क्या होते हैं, प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस होते हैं, और हमने माइनस कर लिया है यहाँ पर, लेकिन अब साइन किसका आना है, माइनस का या प्लस का। आपको अब से मैथ में एक चीज़ का ध्यान रख के चलना है कि साइन किसका लगाना है, अब आपको माइनस का लगाना है कि प्लस का लगाना है। अब देखिए, किसके पास ज़्यादा वैल्यू है, माइनस के साइन के पास ज़्यादा वैल्यू है कि प्लस के साइन के पास, माइनस के साइन के पास ज़्यादा वैल्यू, क्योंकि यहाँ तो फोर है और यहाँ सिर्फ वन है, तो जिसके पास ज़्यादा वैल्यू उसका साइन आ गया, मतलब हमारा क्या आ गया, माइनस के थ्री। अब यहाँ देखिए, फोर माइनस वन, हमने वही किया, प्लस माइनस, यहाँ पे कोई साइन नहीं है, मैंने आपको जस्ट शुरू में बताया था, जहाँ कोई साइन नहीं होता है वहाँ प्लस का साइन मान लेते हैं, ठीक है। तो प्लस माइनस तो माइनस होने हैं, माइनस करके हमारा आ गया थ्री। अब देखिए, आपको फिर इसी की तरह साइन लगाने, जैसे कि आपने यहाँ देखा माइनस के पास ज़्यादा वैल्यू, तो आपने माइनस का साइन लगाया, आप यहाँ पर कौन सा साइन पुट करेंगे। तो देखिए, अब देखिए यहाँ पर किसके पास ज़्यादा वैल्यू है, प्लस के साइन के पास या माइनस के साइन के पास। प्लस के साइन के पास ऑब्वियसली ज़्यादा वैल्यू है, तो प्लस का थ्री आएगा, और हम कभी प्लस का साइन लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है हमें, तो हम सिर्फ थ्री लिख देंगे, ठीक है, आपका इतना क्लियर हो गया। अब प्लस प्लस तो प्लस होते हैं, इसे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर टू प्लस थ्री लिख दिया जाए तो टू प्लस थ्री फाइव ही होना है, मतलब प्लस का टू और प्लस का थ्री हमारा फाइव होना है, ये तो आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। अब देखिए, माइनस माइनस क्या होते हैं, अब देखिए माइनस का टू और ये माइनस का थ्री है, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, दोनों माइनस के, तो माइनस माइनस क्या होना चाहिए। अब देखिए, अब इसको याद रखने की ट्रिक है, ये रहा माइनस,
हमने यहाँ माइनस लगा दी, ये भी रहा एक माइनस और हमारा क्या बन गया प्लस, मतलब हमने दो साइन एक जैसे जोड़े तो हमारा प्लस बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया प्लस का साइन, मतलब माइनस माइनस भी प्लस होते हैं, प्लस 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 होते हैं, प्लस माइनस माइनस होते हैं, माइनस प्लस प्लस होते हैं, बट माइनस माइनस भी प्लस होते हैं। ठीक है, तो ये भी माइनस का टू और ये माइनस का थ्री, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे क्या आना चाहिए हमारा प्लस होना चाहिए, क्या होना चाहिए माइनस माइनस तो प्लस होते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए प्लस करना चाहिए। तो प्लस करने पर हमारा क्या आ रहा है थ्री, और टू को प्लस करने पर हमारा आ रहा है फाइव। ठीक है, हमारा आंसर क्या आ रहा है फाइव, बट हमें वही काम करना है, हमें साइन वैल्यूज लगानी है, वैल्यू के अकॉर्डिंग साइन लगाना है। अब यहाँ आप देखिए, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, माइनस की अहमियत तो होनी चाहिए, माइनस की अहमियत सबसे ज़्यादा है, तो माइनस आ गया। ठीक है, अब देखिए अगला, अब इसी चीज़ को अगर मैं अगर अलग तरीके से देखूँ, माइनस के टू माइनस के थ्री, आपको कॉमन लेना आता है, कॉमन माने कॉमन क्या है दोनों में, मतलब दोनों में सेम क्या है, कॉमन क्या चीज़ है दोनों में, माइनस है, तो हमने माइनस बाहर निकाल लिया। जब हमने माइनस बाहर ले लिया यहाँ से भी यहाँ से भी, तो अंदर दोनों के पास क्या रह जाना है प्लस, यहाँ भी प्लस रह गया और यहाँ भी प्लस रह गया हमारा। ठीक है, माइनस का साइन तो ये था, टू प्लस थ्री इक्वल टू फाइव, हमारे यहाँ भी माइनस फाइव आया। आप इस तरीके से कीजिए तब भी आपका माइनस फाइव आना है, और इस तरीके से कीजिए तब भी आपका माइनस फाइव आना है। तो आई थिंक आपको माइनस प्लस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और अगर नहीं भी हुआ है तो आप प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चंस आपकी बुक में बहुत सारे हैं, कुछ क्वेश्चंस को लेके बैठिए और प्रैक्टिस कीजिए, और नहीं तो अगर तब भी नहीं आता है तो मैं पूरी जो एक्सरसाइज है चैप्टर फर्स्ट उसका एक दो दिन में ही वीडियो रिलीज़ करूँगी, आप उससे सीखिएगा। मैं आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि मैं पूरी मेहनत से आपको समझाऊंगी, और जब तक आप पूरी मेहनत से समझेंगे नहीं आपको पूरा कॉन्सेंट्रेशन लगा के समझना होगा। देखिए, वही इंसान ज़्यादा सीखता है जिसके पास ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होता है। तो अगर आप कॉन्सेंट्रेशन अपना बना के रखेंगे, ध्यान से अगर आप मेरी बातों को सुनेंगे, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है, ध्यान से किसी की बात को सुनना, अगर आप ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे तो आपका ध्यान में ये ध्यान में ही रहने वाला है। ठीक है, तो आपके ध्यान में ही रहने वाला है। तो प्लीज़ जो आगे आने वाले मेरे वीडियोस हैं उन्हें ज़रूर देखिएगा, ताकि आपके पॉइंट्स क्लियर हो जाएं, और साथ के साथ आपके जो क्वेश्चंस हैं उस वो भी सॉल्व होते चलें। अब चलिए आगे देखते हैं हम असेंडिंग और डिसेंडिंग। देखिए, ये रहे हमारे असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, आपको ये ध्यान रखना है, असेंडिंग माने लोएस्ट टू हाइएस्ट, और डिसेंडिंग माने हाइएस्ट टू लोएस्ट। ठीक है, ये छोटी क्लासेस में भी थे, आप इतना पता कर लेंगे। आप ऐड ऑफ इंटीजर, ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी है कि हम किसी भी इंटीजर का ऐड प्लस माइनस कैसे करेंगे, और मल्टीप्लिकेशन और देख लीजिए, अगर आपको किसी भी इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन करना है तो आप कैसे करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर। यहाँ देखिए, ये कुछ डिजिट्स दे रखी हैं, 40 मल्टीप्लाई बाई माइनस 7 इक्वल टू माइनस के 280। यहाँ पे माइनस के 280 आखिरकार आया कैसे, यहाँ देखिए आप, 40 और 7 आपस में किस में है, मल्टीप्लाई में है, तो आपको क्या करना है मल्टीप्लाई, आप इसका सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 40 और 7 का मल्टीप्लाई करने पर 280 आता है, इतना आपका क्लियर है। ठीक है, अब आपको साइन लगाने हैं, क्योंकि अब से आपको साइन पे ध्यान देना होगा, अगर आप साइन पे ध्यान नहीं देंगे तो आपके नंबर हो जाने हैं कट। अगर आपने यहाँ माइनस का साइन नहीं लगाया होगा तो आपका होना है कट। अब देखिए, यहाँ माइनस का साइन क्यों है, मैंने आपको बताया प्लस माइनस माइनस होते हैं, 40 के पास कुछ साइन नहीं है तो इसका मतलब इसके पास प्लस का साइन है और इसके पास माइनस का साइन है, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, साइन हमारा किसका आना है माइनस का, लेकिन हमारा हो क्या रहा है मल्टीप्लाई। ऐसे 40 और 7 का मल्टीप्लाई करने पर 280 आता है, लेकिन यहाँ पे साइन किस किस के हैं माइनस के हैं, और दोनों ही माइनस के हैं, माइनस माइनस हमारे प्लस हो जाती है, तो हमारा किसका साइन है प्लस का। ठीक है, आई थिंक आपका ये क्लियर हो गया होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी ये वीडियो देखने का, और मैं आशा करती हूँ आपकी समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया है या आपको कहीं भी कोई दिक्कत हो रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को एक बार रिपीट करके दोबारा से देखिए, ताकि आपके जो डाउट्स हैं, आप मेरी हर वीडियो को अगर आप दो से तीन बार देखते हैं, और नहीं तो सिर्फ दो ही बार देखते हैं, तो आपके जो डाउट्स हैं छोटे मोटे रह जाते हैं, वो भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, वो भी आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और स्पेशली जो न्यू व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं कहना चाहूँगी कि आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे जो भी आगे आने वाले वीडियोस हैं
उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे और मैं इसी तरीके से आपको विद मोटिवेशन पढ़ाती रहूँगी। और जो पुराने व्यूअर्स हैं उन्होंने तो ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है, और बट जो न्यू व्यूअर्स हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ अपने जो फ्रेंड्स हैं और जिसको भी मैथ्स की ज़रूरत है, मोटिवेशन की ज़रूरत है, उनको भी बताएं, उनसे भी शेयर कीजिए, ताकि अगर शेयर करने से नॉलेज बढ़ती है तो प्लीज़ आप उनसे भी शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरा चैनल देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल स्किल लर्निंग।